हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G73 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डायल पैड टोन सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब साउंड इस पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये डायल पैड टोन का, ठीक है। डायल पैड टोन के सामने जो ये बटन दे रखा है ना, इस बटन को सिलेक्ट करना है, तो बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी डायल पैड टोन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये डायल पैड टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके मोबाइल फोन में डायल पैड का जो ये जो फोन का जो ऑप्शन होता है ना, फोन का जो ऐप है, इस ऐप के अंदर जो आपका डायल पैड होता है ना, उस डायल पैड पे अगर आप किसी भी नंबर को डायल करेंगे तो आपका कोई भी बटन अगर आप दबाएंगे ना तो कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये सेटिंग जो है ना डायल पैड टोन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोटो G73 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये डायल पैड टोन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपके मोबाइल फोन में आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है डायल पैड टोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डायल पैड टोन का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो नहीं होगा इस तरीके से, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा नीचे की साइड में डायल पैड टोन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है सेटिंग को ढूंढने का आपके फोन में,